तो गाइस घर देख के आपको पता ही चल गया होगा मैं कहाँ आई हूँ। तो अभी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। तो अभी फटाफट रेडी हो जाते हैं और फिर जाती हूँ मैं क्लास, एंड उसके बाद आज हमसे कोई मिलने आने वाली है, तो कौन है वो आपको आगे पता ही चल जाएगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं, रेडी होते हैं। तो अभी मैं स्किन की क्लास में आ चुकी हूँ, एंड लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम मशीन यूज करते हैं पर मैंने दिखाया नहीं था। सो अभी मैं जितने भी मशीन है वो दिखा देती हूँ। तो पहला है ये गैल्वेनिक, फिर दूसरा है ये डिजिटल अल्ट्रासोनिक, ये है हाई फ्रिक्वेंसी, ये है वैक्यूम। तो ये जितने भी इतने सारे मशीन आपने देखे होंगे, ये सारी चीजें हमारे फेस में यूज होता है। यहाँ पे पूरा मतलब फेशियल स्टार्ट हो रहा है, दिखने में ऐसा लग रहा होगा एकदम ऑपरेशन हो रहा होगा, सर्जरी का थोड़ा सेटअप वैसा है, क्योंकि यू नो वी आर प्रोफेशनल। तो अभी धीरे धीरे आपको सारी मशीनें दिखाएंगे कि कैसे चलता है। तो ये जो भी मशीन चलता है ना, तो इससे पहले आपको क्लाइंट को कंसल्ट करना पड़ता है कि आपने जो भी लोहे का या सिल्वर गोल्ड कुछ भी पहना है वो सब निकाल दें, एंड ऑल्सो दांत की जो कैपिंग होती है वो भी पूछनी पड़ती है। अगर एक साल पुरानी है तो ठीक है, अगर नया है तो आप मशीन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यू नो इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसीलिए सब कुछ पूछ के तभी आपको ये मशीन यूज करना है। तो ये पहली मशीन है, इसका नाम गैल्वेनिक है। तो ये पिगमेंटेशन के लिए है, इससे पिगमेंटेशन कम हो जाते हैं, और इसे हम इनडायरेक्ट ही देते हैं। तो आप देख सकते हो ये कैसे यूज कर रहे हैं। तो अभी दूसरी मशीन स्टार्ट हो चुकी है जो कि है वैक्यूम। तो इससे क्या करेंगे, जो भी ब्लैक हेड्स है वो सारे रिमूव करेंगे, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स दोनों। ये अल्ट्रासोनिक मशीन है, इससे जो भी प्रोडक्ट है उसको इंडक्ट कराने का काम आता है ये। तो गाइस अभी ना पता क्या हो गया था, बेचारी हेमा के हाथ से ना प्रॉप टूट गए थे, ये मशरूम प्रॉप बोलते हैं ना, ये टूट गया था। बट मैम को लगा कि वैक्यूम वाला टूट गया, क्योंकि वैक्यूम एक ही है उनके पास। तो मैम ना बहुत भयंकर गुस्सा करने लगी थी, बट फिर फाइनली जाके हमने जब बोला कि वो वाला नहीं दूसरा वाला है, तो जान में जान आई। तो अभी दोबारा से स्टार्ट हो गया है काम हम लोग का, खुश होके करना हुआ। अभी बज चुके हैं 4 और अभी तक हमने कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ अपना टिफिन विफिन सब खोल दिया है, तो फटाफट खाते हैं उसके बाद फिर प्रैक्टिस। मैं पहली बार लाइफ में पेडिक्योर करा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने कभी किया नहीं है, फर्स्ट टाइम करवाया नहीं, फर्स्ट टाइम है ये मेरा। मुझे बहुत मजा आ रहा है इसमें ऐसे ऐसे करने में। बेचारे मैं इनके क्लाइंट बन गई एंड ये मुझे सर्विस दे रहे हैं बेचारे। तो अभी जस्ट ताजा ताजा हमें डांट पड़ा है, तो कोई नहीं, ऐसे तो डांट खाते रहते तभी ना सीखेंगे। तो आज आप लोग मेरा पैर चमका के दोगे, मतलब इतने सालों की जो गंदगी है ना वो सारी निकाल के दोगे आप। ये तो आज मुझे ऐसे रानी वाली फील आ रही है ना, मस्त, क्या सुकून मिल रहा है। इनका सलोन भी, आपका सलोन क्या है बता दो आप। बल्ली वाला चौक में पड़ता है, भारत पेट्रोल पंप के पास, बीटी 18 के नाम से। तो गाइस वहाँ पे सारी सर्विस लेते हैं, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन। अगर आप क्या बोला तो वहाँ आप... पे बिल्कुल बन जाना। तो अगर आप जाओगे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा मेरे नाम से, तो आप पक्का जाना, ठीक है। तो गाइस पहले ना ये लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि मैंने कभी नहीं करवाया, बट इन्होंने जब मेरा पैर देखा ना गुदगुदी हो रहा, तब इन्होंने बोला कि हाँ पहली बार ही करवाया, वैसा दिख ही रहा है। तो गाइस देखो मतलब अभी सिर्फ स्क्रबिंग ही हुआ है, ये अभी सिर्फ स्क्रबिंग ही हुआ है और मेरे पैर कितने चमक रहे हैं, देख रहे हो। अब मैं एकदम छोटे छोटे स्कर्ट पहन के बाहर घूमूंगी। तो अभी मेरा फाइनल हो रहा है, तो फाइनल में मेरा ये पैक लग रहा है, इसको मोल्डिंग मास्क कहते हैं, इससे जो चमक आएगी वो अभी एंड रिजल्ट में दिखाती हूँ। तो गाइज मेरे इतने सॉफ्ट सॉफ्ट सुंदर सुंदर से पैर हो चुके हैं, जो कि इन लोग ने किए है, थैंक यू सो मच। फाइनली अभी क्लास खत्म हो जाता है, तो मिलती हूँ डायरेक्ट आपको दूसरे लोकेशन में। हाँ बस, हु इज हियर, कार्तिक उनिया। हाय गाइस, हेलो, हाय। आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई, कैसे हो? तो फाइनली क्लास इज ओवर, नाउ
थोड़ा सा मौज किया जाए उसके बाद तो फिर जाके पढ़ाई करनी है, वो तो बहुत जरूरी है ना। क्या अच्छा धूप आ रहा है, सन किस हो गया मुझे तो मुझे बड़े गॉगल्स गॉगल्स लगा के एक्चुअली आई एम अ सेलिब्रिटी यार। बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो चुकी है तो कार्तिक उनियाल जी मुझे नारियल का पानी पिला रहे हैं, खुद भी पिएंगे। बड़े चश्मा पहन के हीरो नहीं मान रहे, फॉन्ट कर रहे हैं, फॉन्ट नहीं फ्लॉन्ट कर रहे हैं। कितनी गंदी इंग्लिश है ना मेरी, कोई नहीं आगे करेक्ट यू। अच्छा बस बंद कर लो, अब मैं घर जा रही हूँ, बाय 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 बुबजी। मैं अभी आ रखी हूँ सर्जिकल मास्क ग्लव्स लेने के लिए, वो भी है गुप्ता स्टोर। तो गाइस मैंने सामान भी ले लिया है कल के लिए, पूरा सेट है, अब निकलते हैं घर। मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया है, एंड मैं अपनी शुगर के लिए क्या लाई हूँ, बिस्किट। शुगर के लिए बिस्किट ले राजू, तू भी खा ले, ले। शिवा के लिए ये ला, शिवा ये खाता है, शिवा बिस्किट नहीं खाता। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, अभी मैं जा रही हूँ फॉर माई एग्जाम। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज मेरा पहला एग्जाम है। पढ़ा मैंने कुछ नहीं है, मतलब मैं पढ़ने की बहुत कोशिश कर रही थी बट मुझसे हो नहीं रहा, और मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा कर रात से, पर फिर भी मैंने बहुत चीज़ें पढ़ ली है। अब देखते हैं एग्ज़ाम कैसा होगा। और आज मैं पूरा ही ब्लैक पहनना है, तो मेरे पास ब्लैक शर्ट नहीं थी तो मैं अमृत का ब्लैक शर्ट पहन के जा रही हूँ, तो चलते हैं। मुझे छोड़ने जा रहा है मेरा भाई, हाय बोल दे। गुड मॉर्निंग। अभी मैं गिर गई थी गाइस, टिश्यू रोल और हैंड सैनिटाइजर जैसी चीज़ें मैं भूल गई हूँ, तो वही लेने आई हूँ पहले। तो गाइस मैं एकेडमी से आ गई थी और मैंने यहाँ कार में हूँ, कार्तिक के पीछे छुप रखी हूँ, अभी वो आने वाला है तो मैं छुप गई हूँ, अभी वो ढूंढेगा, देखते हैं। ऐसे मैंने ऐसे देख तो रही हूँ, आ तो रहा था, अभी देखते हैं उसको, हम भौ करेंगे, क्या करेंगे भौ। 2000 years later देख नहीं रहा अभी भी, वेट करो तब तक। तुम बहुत हुए नहीं, मैं तुम्हें ऐसे बहुत करूंगी सोचा था, बहुत के लिए ना वो थोड़ा सा दिखना नहीं चाहिए, मुझे दिख गया था, बेकार इंसान। हाँ तो क्या बोल रहे थे, सच्ची बताओ मैंने डर गया था। क्यों? मैंने कहा यार ये कहाँ गई, गाड़ी के शीशे भी खुले हुए, मैंने कहा ये गई कहाँ, और मैं एकदम से फोन खोल के कर ही रहा था, फिर मैंने कहा कॉल ही करने वाला था, फिर मैंने कहा एक बार देख ही लूँ ये पीछे ना छुपी हुई हो, अगर पता चल गया पीछे ही छुपी हुई यहाँ से। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, तुमसे ज्यादा तो मुझसे पूछो। तो गाइज मैं एग्जाम दे के आ गई थी और मेरा एग्जाम बस निपट गया, मतलब मैंने क्या किया कुछ नहीं, और MCQs के क्वेश्चन आए थे, 200 क्वेश्चन आए थे, वो बाद में खाऊंगा। और पता है गाइस मैंने क्या किया, मैंने किया जय माता दी टिक, जय माता दी टिक। अब फेल होंगे पास होंगे कि बैग लगेगा मुझे नहीं पता, और अगर बैग आया ना मैं कोर्स ही छोड़ दूंगी। मैम मैं मजाक कर रही हूँ, मजाक। तो गाइस घर देख के आपको पता ही चल गया होगा मैं कहाँ आई हूँ, तो अभी तो गाइस मैं मेघा से मिलने आई हूँ। तो अभी मेगा आ रखी है, एक दिन के लिए आई है, एंड मेरा दो दिन के लिए आई थी, मतलब आज एग्जाम था तो एग्जाम से डायरेक्ट मैं आई हूँ, और मैंने इसके मांगे हुए कपड़े भी पहने हुए हैं, चप्पल भी मांगे हुए पहने। तो अभी हमको थोड़ा घूमने घूमने जा रहे हैं, इसको घुमा देते हैं, इतने दिन बाद ही बोल रही थी पहाड़ देखना है, तो चलो पहाड़ देखते हैं। अभी तो क्या दिख रही, मैं तो शाम को बोल रही थी इतना लेट आए। आई नो, अब 6 बजे तो मैं छुट्टी थी, फिर उसके बाद यहाँ पे आते आते 7 बज गए, तो अभी हम निकल रहे हैं। यस yes. तो हमारे साथ है यासी, तो हाय गाइस, ये आप जानते ही होंगे कौन है, मेगा की फ्रेंड, तो ये दोनों घूमने आ रखे थे तो हमने सोचा घुमा ही लेते हैं। कुछ बोलना चाहोगे? तो गाइस हम घूमने जा रहे हैं और क्या, तो हम चलते 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 इतनी दूर पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं मसूरी की रानी। ये देखो कितना सुंदर व्यू है, कितने टाइम बाद आई मैं, इतना ठंडा हो रहा ना। ये आपको क्या देखना था,
मेरे को देखना था कि मेरे को लगा रात को हम आएंगे, हमें तो मुझे तो ये भी नहीं दिख रहा पहाड़ दिखेगा, ऐसा लगा ये लेके आ गए सिटी शहर ही दिखा रहे। तो हमारे साथ एक और मेंबर ऐड हो चुका है, बहुत लंबे है जो कि तो हम लोग ना यहाँ बैठ के एक ही चीज ढूंढ रहे हैं। क्या ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे अपना घर देख रहे हैं, मेरा घर ढूंढ रहे हैं और प्राइस मनी है 10 लाख जो ढूंढेगा उसको मिलेगा। कहाँ जाएगा 10 लाख कैश मिलेगा। जो सबसे दूर लाइट दिख रही है जो एकदम जहाँ पे रोड भी नहीं दिख रही, वो एक नदी दिख रही है, देखिए कोई नदी दिख रही है वो साइड में घर के साइड वाली। गलत, वो तो नहीं चला वो ही है। अबे सुनना, मैं कैमरे में भी ले रही हूँ, इतना लंबा कट्टा थोड़ा आगे। गाइस हम आ चुके हैं विंडरलैंड। देखो ये पहली सी है, कैसा लगा लोकेशन? कितना सुंदर है यार ये। पर जो मजा रोड के साइड में बैठने में आ रहा था वो मजा नहीं आ रहा यही तो नहीं चाहिए चाहिए। ये वहाँ पे भी है, मुंबई में भी है। तो गाइस हम फाइनली घर पहुंच गए और बहुत ज़्यादा ही थक गए, तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो क्या करेगा, डू लाइक शेयर कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट।